सुप्रभात, कक्षा 8वीं, पुस्तक उद्भव, अध्याय 1, कविता वह देश कौन सा है। तो कल हमने जो कविता है उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी तथा उसके उत्तर किस तरीके से हम लिख सकते हैं उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं जो अध्याय के अंदर भाषा और व्याकरण, भाषा व्याकरण के जो प्रश्न हैं वो किस तरीके से हमें समझने हैं तथा उसका हल जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला भाषा और व्याकरण का प्रश्न है हमारा, वर्ण संयोजन कीजिए। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और खंड नहीं कर सकते वह हमारे वर्ण कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो स्वर और व्यंजन होते हैं तो जो स्वर होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वे हमारे स्वतंत्र नहीं होते। उनको उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। यदि हम उसमें से स्वरों को निकाल लेते हैं तो जब हम उनको लिखते हैं तो उनके स्वरूप में हम उस व्यंजन को लिखते हुए उसके पैरों में हलंत का प्रयोग करते हैं। अब वर्ण संयोजन, संयोजन यानी जोड़ना। इसके अंदर आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं जिसमें हमारे व्यंजन और स्वर दोनों ही लिखे गए हैं। अब आपको उन दोनों को जोड़ते हुए जो हमारा शब्द बन रहा है उसे सामने जो हमारा स्थान दिया गया है लिखने का उसके अंदर आपको इसे लिखना है। जैसे जो पहला विकल्प है हमारा वर्ण संयोजन कीजिए का, ग, ग के पैर में हलंत जमा ओ, ओ स्वर है, ग व्यंजन है, तो ग और ओ मिलेगा तो गो जमा द, द के पैर में हरण जमा अ, द में अ मिलेगा तो पूरा जो द है वो हमारा हो जाएगा, तो गोद, दोनों मिलकर हमारे शब्द बनता है गोद। उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा संयोजन के लिए दिया गया है वो है स है, स के पैर में हरण जमा व, व के पैर में हलंत, ध्यान रखें इसमें स के पीछे कोई भी स्वर नहीं है यानी स हमारा आधा है, क्योंकि व्यंजन जब ही पूरा होता है जब उसके पीछे हमारा स्वर होता है। व, व के पैर में हलंत जमा अ जमा र, र के पैर में हलंत जमा ग, ग के पैर में हलंत जमा अ। अब इसके अंदर देखिए र के पीछे स्वर नहीं है और स के पीछे स्वर स्वर नहीं है, तो आधा स व पूरा हो जाएगा, र आधा है इसलिए रेफ के रूप में ग के ऊपर इसकी मात्रा जाएगी और ग के पीछे अ है तो ग हमारा पूरा हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो ये शब्द है वो बनेगा स्वर्ग। आधा स व ग, ग के ऊपर रेफ के रूप में र की मात्रा। तीसरा देखिए र है, र के पैर में हलन जमा अ जमा त, त के पैर में हलन जमा न, त के पीछे जो हमारा स्वर है वह नहीं है, उसके पीछे हमारा न है, न के पैर में हलन जमा ए जमा श, श के पैर में हलन जमा अ, र आदत न और ए मिलके बनेंगे ने और श जमा अ बनके मिलेंगे अ श, तो दोनों जो हमारा जो शब्द बनेगा ये हो जाएगा रत्नेश, रत्नेश। उसके बाद है ह, ह के पैर में हलन जमा छोटी ई जमा म, म के पैर में हलन जमा आ जमा ल, ल के पैर में हलन जमा अ जमा य जमा अ।
कोई भी हमारा जो व्यंजन है वह अधूरा नहीं है, क्योंकि हर व्यंजन के साथ में हमारे स्वर लगे हुए हैं। तो देखिए ह के पीछे हमारा ई है, तो हमारा जब व्यंजन ह के अंदर ई जुड़ेगी तो हमारा हो जाएगा ही। म के बाद आ व्यंजन जुड़ेगा तो हमारा बन जाएगा मां। ल के बाद अ जुड़ेगा तो ल, और य होगा तो य के अंदर अ जुड़ेगा तो य पूरा होगा। तो इसके अंदर हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा हिमालय, हिमालय। अंतिम इसका देखते हैं, स, स के पैर में हलन जमा अ जमा ल, ल के पैर में हलन जमा ओ जमा न, न के पैर में हलन जमा आ। इसके अंदर भी हमारे जो पूरे जो व्यंजन हमें दिए गए हैं कोई भी अधूरा नहीं है, क्योंकि सभी के पीछे हमारे स्वर है उनका प्रयोग किया गया है। तो स लो ना हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा सलोना। प्रश्न नंबर दो, नीचे दिए गए वाक्यांशों को उनके एक शब्द से मिलाना है। वाक्यांश वाक्य का अंश है, उसको एक ही शब्द के लिए प्रयोग हमें करना है। जैसे पहला है हमारा मन को मोहने वाली। जब हमने कविता की व्याख्या की थी तो उस समय जो कठिन शब्द थे उसके अंदर हमने इसका जो अर्थ है वो बताया था, मन को मोहने वाली यानी मन मोहिनी, मन मोहिनी। दूसरा है हमारा हिम का आलय, हिम का आलय हमारा बनता है हिमालय, हिमालय। तीसरा है रस से भरा हुआ, जो रस से भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रसीला, रसीला। आखिरी हमारा है जगत का ईश, जगत का ईश यानी जगदीश। उसके बाद है शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग से कुछ और शब्द लिखने हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग हमारे वे शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द के आगे लगकर या तो उस अर्थ के अंदर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं? जो अपने पारंपरिक अर्थ के लिए जाने जाते हैं तथा जिसको हम अगर तोड़ते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता। तो मूल शब्दों के आगे जो शब्दांश जुड़ता है और जब हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वही शब्द हमारे क्या होते हैं, जो शब्दांश हमारे कहलाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, और जो से शब्द बनते हैं वे हमारे व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। अब सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सुगंध। इसके अंदर जो मूल शब्द है वो है हमारा गंध। उसके आगे सु, सु का अर्थ होता है अच्छा। अब सु उपसर्ग से हमें और शब्द बनाने हैं। इसमें देखिए आपके जो स्थान दिया गया है दो शब्दों का दिया गया है, यानी आप इसके अंदर दो शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो सु से हम पहला करते हैं सुपुत्र, सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। दूसरा हम करते हैं सुकन्या यानी अच्छी कन्या, सुपुत्र सुकन्या। दूसरा है निरंतर, निरंतर यानी लगातार। इसके अंदर जो हमारा उपसर्ग है वो है हमारा निर, निर से हम कर सकते हैं निराला निर्भय, निराला निर्भय। उसके बाद है हमारा प्रकृति, प्रकृति प्र उपसर्ग है, कृति मूल शब्द है। प्रकृति से हम बनाते हैं प्रभाव, जिसमें प्र उपसर्ग है और भाव हमारा मूल शब्द है। प्रभाव और प्रयोग, प्र उपसर्ग योग मूल शब्द। उसके बाद है हमारा सपूत, स उपसर्ग है, पूत मूल शब्द है। स से हम बनाते हैं समान,
सप्रसंग समान सप्रसंग। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय से कुछ और शब्द लिखने हैं आप। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या उस शब्द के अर्थ के अंदर परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय भी हमारे शब्दांश होते हैं, परंतु वह मूल शब्द के आगे ना लगकर उस मूल शब्द के पीछे लगते हैं और शब्द के जो अर्थ होता है उसे परिवर्तन लाते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके अंदर प्रत्यय लगे हुए हैं, आपको उन प्रत्ययों को जानना है और उन प्रत्ययों से नए शब्दों का निर्माण करना है। जैसे पहला है रसीला, रस मूल शब्द है, ईला प्रत्यय है बड़ी ए, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं रंगीला, रंग मूल शब्द, ईला प्रत्यय, और जहरीला, जहर मूल शब्द है, ईला प्रत्यय है, रंगीला जहरीला। अगला है हमारा यशस्वी, यश मूल शब्द है, स्वी हमारा प्रत्यय है। अब हमें जो स्वी है उससे हमारा बनाना है, तो पहला तो हो जाता है हमारा तपस्वी, तप मूल शब्द है और स्वी प्रत्यय है। अगला है तेजस्वी, तेज हमारा मूल शब्द है और स्वी हमारा प्रत्यय है, तपस्वी तेजस्वी। उसके बाद है आनंद में, आनंद हमारा मूल शब्द है और मैं हमारा प्रत्यय है। मैं प्रत्यय से पहला हम शब्द बना सकते हैं मंगलमय, मंगल मूल शब्द है और मैं प्रत्यय है। दूसरा है सुखमय, सुख मूल शब्द है और मैं प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का उचित प्रयोग करना है। अनुस्वार होता है जो आपकी अंकी बिंदु होते हैं, जहाँ पे न म ण का जो स्वर आता है वहां पर हमारा अनुस्वार होता है। अनुनासिक जो हमारा होता है वो आ, जहां पर हमारा शब्द आता है वहां पर हमारा चंद्रबिंदु लगता है। जैसे पहला है जहा हरियालिया, अनथ निरतर, सुगध ससार, नदिया सुदर। जहा आ, आ का स्वर आया तो यहाँ पर हमारा चंद्रबिंदु होगा। हरियालियां या आ, यानी यहाँ पर भी हमारा चंद्रबिंदु होगा। अनंत न, अनंत न का स्वर है इसलिए हमारा यहाँ पर अनुस्वार होगा। निरंतर रंतर न का स्वर है इसलिए इसके अंदर भी हमारा अनुस्वार होगा, यानी बिंदु। सुगंध गंध न, इसलिए इसके अंदर भी हमारा अनुस्वार होगा। संसार सन न का, इसलिए यहाँ पर भी हमारा अनुस्वार होगा। नदियां आ, आ होगा इसलिए यहाँ पर हमारा अनुनासिक होगा। सुंदर सुन न, न का स्वर आ रहा है इसलिए यहाँ पर भी हमारा अनुस्वार होगा। तो इस प्रकार से हम अनुनासिक और अनुस्वार का जो अंतर है वो देख सकते हैं तथा उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रंगीन शब्दों के समानार्थिक शब्दों को लिखकर वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे कि इसके अंदर हमारे दिया है नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है। सुधा को रंगीन किया हुआ है, यानी हमें सुधा का अर्थ लिखना है। सुधा का अर्थ हमें पता है कि सुधा का अर्थ होता है अमृत। तो हम इस वाक्य को दोबारा लिखेंगे कि नदियां जहां अमृत की धारा बहा रही है, नदियां जहां अमृत की धारा बहा रही है। दूसरा है जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। रत्नेश को रंगीन किया हुआ है, रत्नेश का अर्थ भी हम पहले ही जान चुके हैं। रत्नेश का अर्थ होता है समुद्र या सागर। तो
तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि जिसका चरण निरंतर समुद्र धो रहा है, जिसका चरण निरंतर समुद्र धो रहा है। ग है जिसमें सुंदर सुगंध वाले प्रसून खिलते हैं। प्रसून को भी हमने पहले ही चर्चा किया था, प्रसून का अर्थ होता है फूल, तो इसके अंदर हम प्रसून की जगह फूल लिखेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे कि जिसमें सुंदर सुगंध वाले फूल खिलते हैं, जिसमें सुंदर सुगंध वाले फूल खिलते हैं। आखिरी हमारा है घ, जिसने पृथ्वी के निवासियों को जगाया। पृथ्वी, पृथ्वी को अगर हम देखें तो जगत, संसार, तो इसके अंदर जब हम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे जिसने संसार के निवासियों को जगाया या जिसने जगत के निवासियों को जगाया। अब आप इनके द्वारा उपसर्ग समझ चुके होंगे, प्रत्यय आपको समझ में आ गए होंगे, वर्ण संयोजन क्या होता है, किस प्रकार से हमें संयोजित करना होता है उसे, उसके बारे में आपने जान लिया होगा, तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपने जान लिए हैं। और जो हमने अब आखिरी में अंत में जो हमने किया है कि जो भी हमारे रंगीन शब्द हैं उनके अर्थ लिखकर उस वाक्य को पुनः लिखना था, तो इसके द्वारा आपने उन वाक्यों के जो अर्थ है उनको भी जान लिया होगा। अब आते हैं गतिविधियों पर कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है। कथन की सार्थकता सिद्ध करते हुए कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। भारतीय होने पर गर्व होने के एक नहीं अनेक कारण है, जैसे कि यहाँ पर वीर सपूत जो है वो है, महापुरुषों ने जन्म लिया है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति भाई की तरह रहता है, यहाँ की जो संस्कृति है बहुत निराली है, तरसे अनूठी है, यह देश एक ऐसा है जहाँ पर अलग तरह की जलवायु देखने के लिए मिलती है, यहाँ की जो बोलियां हैं जितनी विविधता यहाँ पर देखने के लिए मिलती है वह कहीं और देखने के लिए नहीं मिलती। ऐसे और अनेक कारण हैं जो कि आप अपने इच्छा अनुसार आप करके अपने उत्तर की पुष्टि यहाँ पर कर सकते हैं। ख है संसार का शिरोमणि बनने के लिए किसी भी देश में किन विशेषताओं का होना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि शिरोमणि किस देश को कहा जा सकता है, तो उसके अंदर किन की विशेषताओं का, सबसे पहले तो वहां की जो भौगोलिक और प्राकृतिक सुंदरता है वो होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को जब तक अपनी जरूरतों का सामान नहीं मिलता जब तक कि वह वहां पर समृद्धि अनुभव नहीं कर सकते। दूसरी अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि वहां का जो इतिहास है वो इतना गौरवशाली होना चाहिए कि जिस पर हमें जिसके हमें बात करते हुए गर्व महसूस हो, जैसे कि हमारे भारत का है। इसके अलावा हमारे देश में इतनी विशेषताएं होनी चाहिए जो किसी और देश के अंदर ना हो, चाहे वो हमारी संस्कृति है, हमारा पहनावा है, हमारी बोली है, हमारी वेशभूषा है, हमारा रहन सहन, खाना पीना, वो सभी चीजें हमारी शिरोमणि होने के लिए जरूरी है। लेकिन जो मुख्य कारण है वो शिरोमणि होने के लिए यह होना चाहिए कि वहाँ के जो देशवासी हैं उनके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के अवसर उनको मिलने चाहिए, उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार होना चाहिए जिसके अंदर वह अपनी जो भी उनकी विशेषताएं हैं उनको उभार सके, जो भी उनके अंदर गुण हैं उनको निखारा जा सके। यदि ऐसे मौके नागरिकों को दिए जाएंगे, संसाधन वहां उस देश के अंदर जितने होंगे, तो वह देश संसार का शिरोमणि बन सकता है। मेरी कल्पना, मेरा अनुमान में देखिए, अगर धरती पर अगर भारत पर अंग्रेजों ने शासन ना किया होता तो आज हमारी स्थिति किन रूपों में अलग होती। आपने देखा होगा जब अंग्रेज आए थे उन्होंने हमारा बहुत सारा जो खजाना था वो लूट कर ले गए थे। अगर अंग्रेज नहीं होते तो आज हम भी विकसित देशों की गिनती में होते तथा हमारा देश भी समृद्ध देशों की गिनती में गिना जाता। इसके साथ ही जो मौके हैं वो भी हमें आज के मुकाबले कहीं अधिक मिलते तथा आज से पहले हम कई साल पहले ही विकसित हो चुके होते और भारत का जो नाम है वो विश्व के जो विकसित देश हैं उनकी गणना में आ चुका होता। उसके बाद है कि कवि सम्मेलन ये का आयोजन करना है तो वो आपकी गतिविधि के अंदर शामिल हो सकता है। और अंतिम प्रश्न हम लेते हैं इसके अंदर कि देश की जो धरती है, जो जितने भी देशभक्ति वाले जो गीत हैं
वो आप सुनेंगे तथा उसके अंदर जो भी आपके देश की जो विशेषताएं हैं वहां पर उन गीतों को सुनकर आप जानेंगे तथा एक तो जो देशभक्ति के गीत हैं उनको आप याद करेंगे, जिससे कि आपका जो विचार है अपने देश के लिए और ज्यादा अच्छे बन सके तथा अपने देश के बारे में और अधिक से अधिक ज्ञान आप प्राप्त कर सके। आज ये जो अध्याय है ये हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है, कल हम पाठ 3 आरंभ करेंगे।